लेट्स डिस्कस एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। अब एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर। सो सल्फर शोज न्यूमरस एलोट्रॉप्स, याद रखना सल्फर एग्जिस्ट इन वेरियस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, वेरियस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। अब इन अलग अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में से रोम्बिक सल्फर, जिसे हम अल्फा सल्फर कह सकते हैं, और मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसे हम बीटा सल्फर कह सकते हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आउट ऑफ दिस, रिमेंबर, आउट ऑफ वेरियस फॉर्म्स रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक आर इंपॉर्टेंट। अब रोम्बिक सल्फर जो होता है ये स्टेबल वैरायटी है, सो लेट्स डिस्कस रोम्बिक सल्फर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो सबसे पहला एलोट्रॉपिक वैरायटी रोम्बिक सल्फर। अब रोम्बिक सल्फर इज ऑल्सो नोन एज अल्फा सल्फर, इसको हम अल्फा सल्फर भी कह सकते हैं। सो रोम्बिक सल्फर जो होता है इट इज येल्लो, इसका कलर येल्लो होता है, याद रखना। सो इट इज येल्लो इन कलर, येल्लो इन कलर। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 385.8, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 385.8 केल्विन एंड इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.06 ग्राम पर सीसी। सो उसके बाद इट इज अ स्टेबल वैरायटी और इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 369 केल्विन, याद रखना। सो इट इज अ स्टेबल वैरायटी विथ ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ 369 केल्विन, यानी 369 केल्विन के ऊपर अगर हम हीट करेंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर एलोट्रॉपिक वैरायटी, व्हाट वी कॉल्ड मोनोक्लिनिक सल्फर। अब रोम्बिक सल्फर को बनाया कैसे जाता है? रोल्ड सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करके उसको इवेपोरेट करें ताकि हमें रोम्बिक सल्फर मिले। सो इट इज ऑब्टेंड बाय डिसॉल्विंग, रोल्ड सल्फर इन CH2 followed by evaporation। सो ये होता है उसका मेथड, यानी हम क्या करेंगे, रोल्ड सल्फर को सबसे पहले CH2 में डिसॉल्व करेंगे और जोरदार हीट करेंगे ताकि इवेपोरेशन के बाद हम लोगों को रोम्बिक सल्फर मिले। सो आफ्टर अ कोर्स ऑफ इवेपोरेशन वी कैन हैव द रोम्बिक सल्फर। सो इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना है। सो इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट डिसॉल्व अप टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन, वो बेंजीन में डिसॉल्व करेगा, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद इथर एटसेट्रा, बट इट इज हाईली सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, याद रखना। इट इज रेडीली
It is readily soluble in CH2. So it was all about rhombic sulfur. Now next, allotropic modification of sulfur is monoclinic sulfur. Monoclinic sulfur is also known as beta sulfur. Yaad rakhna. So it is also called as बीटा सल्फर. ये बीटा सल्फर नाम से भी फेमस है. इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, सो याद रखना, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 393 केल्विन. सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 393 केल्विन एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट्स स्पेसिफिक gravity is 1.98 gram per cubic centimeter. अब इसको इसकी बात अगर करें तो it is found to be soluble in carbon disulfide. याद रखना, it is soluble in CS2. अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है? Rhombic sulfur को मेल्ट करने के बाद हमें मोनोक्लिनिक सल्फर मिलता है. सो इट इज ऑप्टेंड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर. सो रोम्बिक सल्फर को जब आप मेल्ट करेंगे तब आपको मोनोक्लिनिक सल्फर मिलेगा. सो इसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं. इसको आप जोरदार हीट करिए, मेल्ट करिए, सो एज टू गेट मोनोक्लिनिक सल्फर. अब मेल्टिंग करते समय क्रस्ट डेवलप होगा. उस क्रस्ट को दो होल्स गिरा के जो रिमेनिंग लिक्विड है उसको पोर करना होगा. याद रखना, सो ड्यूरिंग मेल्टिंग of rhombic sulfur, during melting of rhombic sulfur, crust is formed. So two holes are made to the crust and remaining liquid is poured out. जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? निडल शेप्ड हमें क्रिस्टल्स मिलेंगे. ऑन रिमूविंग द क्रस्ट वी कैन हैव द कलरलेस निडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर. सो ऑन रिमूविंग द crushed colorless needle shaped crystals of monoclinic sulfur are obtained. हम लोगों के पास कलरलेस निडल शेप्ड क्रिस्टल्स मोनोक्लिनिक सल्फर के होंगे. अब ये 369 केल्विन के ऊपर ही स्टेबल होता है, ये याद रखें. सो इट इज स्टेबल अबव 369 केल्विन. अब अगर 369 केल्विन टेम्परेचर के नीचे अगर टेम्परेचर उतरता है तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू रोम्बिक वैरायटी. सो इट कन्वर्ट्स इनटू रोम्बिक सल्फर बिलो 369 केल्विन. इस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहना चाहिए. सो विच इज known as, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन, विच इज नोन एज ट्रांजिशन
टेम्परेचर. सो ट्रांजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कन्वर्शन ऑफ वन एलोट्रॉपिक फॉर्म टू अनादर. अब दोनों भी जो सल्फर्स है, अल्फा सल्फर हो या बीटा सल्फर हो, यानी रोम्बिक हो या मोनोक्लिनिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, दे हैव एसेट मॉलिक्यूल्स विद पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, याद रखना. सो बोथ अल्फा एंड बीटा सल्फर्स हैव एसेट मॉलिक्यूल्स विथ पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, याद रखना. अब इन दोनों के सेवरल मॉडिफिकेशंस बनाए जा चुके हैं. सो सेवरल अदर मॉडिफिकेशंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम्स इन ए रिंग हैव बीन प्रोड्यूस्ड, याद रखना. सो सेवरल अदर मॉडिफिकेशंस कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम्स इन अ रिंग have been prepared, याद रखना. सो ये चीज हमें याद रखो. अब साइक्लोएसिक्स में रिंग चेयर फॉर्म एडॉप्ट करता है, याद रखना. सो इन साइक्लोएसिक्स रिंग एडॉप्ट द चेयर फॉर्म, हमें वो चेयर फॉर्म में नजर आएगा. और अगर टेम्परेचर 1000 केल्विन से ज्यादा हो तो डोमिनेंट स्पेसीज होते हैं S2. सो एट एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन S2 इज अ डोमिनेंट स्पेसीज which is paramagnetic. So it was all about monoclinic sulfur and hence we have discussed the allotropic forms of sulfur right here.